काफ़ी कुछ चेंजेस चल रहे हैं मेरे जॉब में, जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया। सर हम लोग घर शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं अभी वहाँ 7 साल हो गए हैं, वहाँ उस बिल्डिंग में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन, दूसरा वो एक कम्युनिटी नहीं है, तो हम एक कम्युनिटी में घर ढूंढ रहे हैं। काफ़ी कुछ देख लिया है ऑलरेडी हमने, कुछ घर पसंद आए हैं, कुछ जो पसंद आए हैं वो बजट से बाहर हैं, कुछ जो पसंद नहीं आए हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो इट्स नॉट अ ईजी जॉब टू फाइंड अ हाउस एनीवेयर इन द वर्ल्ड गाइस, दुबई भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ भी टाइम लगता है, अलग अलग लेआउट्स हैं, किसी को कुछ लेआउट पसंद आता है किसी को कुछ। तो अभी भी हम एक घर देखने जा रहे हैं, आई डोंट नो पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बट आएगा तो डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा। और अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं एक वीडियो बनाऊं जो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम घर ढूंढते हैं, घर ढूंढने के बाद क्या होता है, वो सब अगर आपको जानना है तो आप मुझे जरूर बताइए, तो मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा। तो अभी चलते हैं, जो नेक्स्ट घर देखने जा रहे हैं वो डाउनटाउन में बुर्ज खलीफा के पास है। Oh my God! Wow! काफी अच्छी कम्युनिटी है, बट घर का लेआउट कैसा है वो जाके पता चलेगा। पिक्चर्स तो देखी है, बट जब तक आप एक्चुअली जाके नहीं देखते हो आपको पता नहीं चलता है। तो हम जाएंगे वो घर देखेंगे और उसके बाद आपको अपडेट करेंगे, और जैसे जैसे मूव करने का प्लान बनेगा मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप थोड़े रेगुलरली मैं वीडियोस डालूं। तो मिलते हैं आपको डेस्टिनेशन पे। सो हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, ये एग्जैक्टली डाउनटाउन एरिया है, और यहाँ पे आपको मेरे पीछे बुर्ज खलीफा नज़र आ जाएगा, राइट। सो बेसिकली दिस इज़ बैंग इन द मिडल ऑफ द सिटी, और यहाँ पे ऑब्वियसली बिजी है काफ़ी, बट इट्स अ डिफरेंट फील टू द प्लेस। एंड लेट्स सी अगर यहाँ पे भी लेआउट पसंद आता है कि नहीं आता उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो हमारी स्ट्रगल हो रही है वो लेआउट को लेकर ही हो रही है। होपफुली यहाँ जो हम बिल्डिंग में देखेंगे वहाँ हमें अगर लेआउट पसंद आता है, यू नेवर नो। सो चलिए देखते हैं कैसा लेआउट है और क्या करें। तो आप लोगों ने क्लिप्स देख लिए होंगे घर के। सो ये लेआउट हमें थोड़ा पसंद आया है, समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है इंडियन फैमिलीज तो हम वी लुक फॉर थिंग्स लाइक क्लोज्ड किचन, प्रॉपर लिविंग एरिया, और रूम्स में स्पेस, रूम्स में एनसूट या अटैच बाथरूम वगैरह देखते हैं हम। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स थे अपार्ट फ्रॉम दिस बीइंग अ कम्युनिटी। तो अभी आपको इको आ रहा होगा क्योंकि घर खाली है, और मैं खाली घर ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता, इसलिए हल्के से क्लिप्स दिखाइए आपको।
लेकिन हाँ आपको व्यू जरूर दिखा सकता हूँ मैं कि घर से व्यू कैसा दिखेगा अगर ये फाइनल करते हैं हम तो। अभी अभी जो फाइनल ऑप्शन है उसमें डिबेट चल रही है हमारे घर में कि कौन सा फाइनल करना है, तो देखते हैं। तब तक आप ये व्यू इंजॉय कीजिए, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी माइट गो फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लैट, क्योंकि ये कम्युनिटी के बीच में है, हालांकि डाउनटाउन है, लोकेशन भी इसका बेटर होने वाला है बाकी के ऑप्शन से, बट मेन रीज़न ये है कि कम्युनिटी है और बच्चों के लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, अगर नीचे उतर के वॉक भी करना हो, जिम भी जाना हो, एमिनिटीज़ भी यूज़ करनी हो, तो ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। आप देख सकते हैं कम्युनिटी है, गार्डन का व्यू है, हल्का सा ग्लिम्स दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसका बालकनी से और अच्छा व्यू होता है वो अगर हम इसको फाइनल कर लेते हैं घर को तो शो करूँगा। सो घर देख के हो गया है और हम ये जब हाउस हंटिंग कर रहे थे तो एक इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ जो मैंने आपको बताया नहीं। हम लोग मैदान करके एक जगह है वहाँ पे पोलो रेजिडेंसेस है वो देखकर हम आ रहे थे, तो रास्ते में गेस व्हाट हमको कौन मिला, आप वीडियो देख के बताइए। आई एम श्योर यू नो दिस गाय। हे गाइस, सो यू वोंट बिलीव हु आई बम्प्ड इनटू टुडे। वी हैव गॉट द एंटायर गैंग हियर, वी हैव गॉट सिड, वी हैव गॉट होबो एंड दैट्स अनुनय। His reels, yeah. So we had a very good conversation and hope you know we will be seeing soon. मैं अपने ब्लॉग के लिए। Hi dear, how are you? अरे तुम लोगों को मेरे को पता है ना दुबई में मेरे लोग कोई ब्लॉग देखते हैं। 15 भी नहीं, 5,500 से शुरू किया था आपने। तब से हम आपको देख रहे हैं। पता कैसे चला? करण आया था, करण से पता चला और उसके बाद फिर क्योंकि मैं भी यहाँ कर रहा था तो मेरे वीडियोस के साथ साथ आते थे आपके वीडियोस। When Vishakha came, that time also we knew. So and when Vishakha and you went to Assam, I am from Assam. Oh, you're from Assam. So I from like brought up there. So I'm very happy to see. We didn't knew you when you went with Vishakha, okay? So we were following her. So हमने कहा अनुने ये कौन है इसका boyfriend? इसका भी एक बना रखा है मैंने वो ड्रोन व्यू के साथ। यहाँ ड्रोन रहता है? हाँ, अलाउड है ये फ्लाई जोन है। मैंने ड्रोन ही सारे अपने दे दिए, मेरे पास एक ड्रोन है उसकी बैटरी चार्ज ही नहीं बचा। कितने ड्रोन लेके गए थे तुम इंडिया? मैं बांट आता हूँ ना, फिर कोई कहता भैया मेरे को ड्रोन दे दो, मैं कहता ठीक है ये रख ले, मैं जाके नहीं ले लूँगा। एक पूरा बैग तो इलेक्ट्रॉनिक्स का था तुम्हारा, वो वाला सही था ना, कस्टम वाला वीडियो सही था। अरे उनको पता नहीं था इसके सूटकेस में क्या है ऊपर ऊपर। वो कहता वो इसके पैसे दो, इसके पैसे चाहिए, खोल लेता तो हो जाता खत्म। सही है, चलो नाइस मीटिंग, लेट्स कैच अप। सो इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस गाइस दिस इज प्रीटी मच इट। हम काफ़ी घूम चुके हैं, काफ़ी सारे लोकेलिटीज़ हमने देखी है जैसा कि आपने वीडियो में देखा अभी तक, और सब कुछ एक जगह मिले ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, बट वो कॉम्प्रोमाइज़ हम लोकेशन में करते हैं, इंटीरियर्स में करते हैं, फ्लैट में करते हैं या कोई और चीज़ में करते हैं, वो हमको आपस में डिबेट करके करना है जो हमको इस हफ्ते फाइनल कर देना है। जैसे ही फाइनल हो जाएगा हम आपको अपना करंट हाउस टूर भी दिखाएंगे और यहाँ पे मूव होने के बाद ये कैसा सेटअप होता है, अगर ये होता है या कहीं और फ्लैट में हम मूव करते हैं वो कैसा सेटअप होता है, उसके भी वीडियो आने वाले टाइम में आने वाले हैं, तो कीप वॉचिंग द स्पेस। सो टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एडियोज़ ओनली।